अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट न्यूज़। फाइनली यहाँ पर जेके बाउ की ओर से जो यहाँ पर आपके एजुकेशनल स्कीम्स हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन हो चुके हैं। मैंने जो यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप्स उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको प्रोसीजर सिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर आप इन एजुकेशन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर पाए। दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर आपको पहले अपने जेके बॉक की जो वेबसाइट है उस पर आना होगा और अपना अकाउंट यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। लेकिन लॉग इन करना यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं आता, फिलहाल मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आपको प्रोसीजर सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो आपके पास एक वेबसाइट आएगी portal.jkbauk.gov.in, इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा, मीनिंग जो यहाँ पर आपका लेबर कार्ड का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद जो आप लोगों ने पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये मिसप्लेस किया होता है अपना पासवर्ड, तो किस तरीके से आप इसको रिट्रीव कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन मेरा है गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम एज वेल एज आपका पासवर्ड भी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। गाइज, अपना फोन नंबर और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा देना होगा। सारा प्रोसेस आप मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए भी यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आया होगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। गाइज, जैसे आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा और एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आया होगा एजुकेशन स्कीम। एजुकेशन स्कीम में यहाँ पर आपको दो स्कीमें देखने को मिली होगी, पहला यहाँ पर आपको स्कूल एजुकेशन एंड सेकंड हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। पहले यहाँ पर आप समझेंगे स्कूल एजुकेशन होता है। स्कूल एजुकेशन अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास में स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर आपका स्कूल एजुकेशन माना जाता है। और अगर यहाँ पर आप उससे आगे स्टडीज़ कर रहे हो, यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, प्रोफेशनल या एकेडमिक कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस बार आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिले होंगे, क्योंकि इस बार इसका जो प्रोसीजर भी वो चेंज किया गया है। आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट वो भी यहाँ पर इन लोगों ने इस बार थोड़ा डिक्रीज़ किसी में किया है और यहाँ पर किसी स्कीम्स में इंक्रीज़ किया है, तो वो यहाँ पर आप चेकआउट करना है। जैसे आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स वो यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर में किस फैमिली मेंबर को स्कॉलरशिप सबमिट करना है। जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं उन सारे फैमिली मेंबर्स के नेम आपके सामने शो हो जाएगा। बाय चांस यहाँ पर अगर आपके फैमिली मेंबर का नेम शो नहीं होता है तो काइंडली विजिट योर एलसी ऑफिस, मीनिंग जो यहाँ पर आपका लेबर ऑफिस होता है वहाँ पर आप अपनी फैमिली डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा बेरिस्मेंट क्लेम, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होता है, जो आपका स्कॉलरशिप वो डायरेक्ट आपके फादर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप नो पे क्लिक करोगे तो जो यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप वो आपके कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। तो मेरी रिकमेंडेशन है यहाँ पर आप इस पे यस पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन मोड सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप इग्नो के थ्रू कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना होगा। लेकिन अगर आप कोई रेगुलर कोर्स या फुल टाइम कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन मोड, यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्ट स्कीम यू वांट टू अप्लाई, यहां पर आपको क्लिक करना होगा कौन सी स्कीम के लिए यहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो। आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, जो भी कोर्स यहाँ पर आप कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको देना होगा। लाइक जो भी यहाँ पर आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल कोर्सेज में, सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पर बीटेक है तो यहाँ पर हम बीटेक को सिलेक्ट करने वाले। अगर आपका एमटेक है तो आपको इसी में सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया अदर पीजी कोर्स भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट, मीनिंग जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट वो यहाँ पर शो हो जाएगा। पिछले साल यहाँ पर 50,000 आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको ओनली 45,000 स्कॉलरशिप क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अपना कोर्स का नेम देना होगा। लाइक यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग का नेम यहाँ पर आपको देना होगा, किस फील्ड में कर रहे हो उसका नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग का नेम देने वाले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना होगा, जिस भी सेमेस्टर में यहाँ पर आप स्टडी कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको बोला गया हैव यू टेकन ए सिमिलर स्कीम अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके फादर की बैंक डिटेल्स आ जाएगी जिसमें यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा एक बार यहाँ पर इन अकाउंट डिटेल्स को फिर से प्रीव्यू कीजिए। कभी कभार यहाँ पर हमने अपने अकाउंट डिटेल्स को गलत फिल किया होता है, तो पहले यहाँ पर इसको अपडेट करवा लीजिए। अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पर आपको नीचे आना।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर क्या रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बोनीफाइड यहाँ पर आपको कॉलेज से लेनी है, लेकिन जो यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2024-2025 होना चाहिए ये मैंडेटरी है। इस साल आपको इसी एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप सबमिट करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और अपनी गैलरी से यहाँ पर आपको अपने पीडीएफ फाइल या जेपीजी जो भी यहाँ पर आपका फाइल है उस मोड में यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट शीट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट में यहाँ पर आपको क्या, अगर यहाँ पर आप कोई डिस्टेंस कोर्स परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपनी अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। ये खाली इग्नो स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर डिस्टेंस के थ्रू अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं तो उनको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा इस साल यहाँ पर आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा। भी नहीं करना, आपको अपने नज़दीकी कोर्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको लेबर स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट उनको मांगना है, लेकिन वो नोटरी होना चाहिए, जुडिशियल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको 100-200 रुपीज़ वो मांगेंगे और उस तरीके से वहाँ पर आप अपना एफिडेविट हासिल करोगे। फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको अपलोड करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, जो यहाँ पर एक आसान सा प्रोसीजर था जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। हालांकि अगर यहाँ पर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हो तो लोअर क्लास में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप अपना फी रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रहता है। बाकी सारे स्कीम्स के लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला। आई होप यहाँ पर अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन या हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।